आदमी बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। मेरे रिकॉर्ड्स में आपके हाथ 91 पुलिसमैन और 150 निर्दोष सिविलियंस के खून से रंगे हैं। जब कोर्ट मुझे आपको इंटेरोगेट करने का चार्ज देगा तब देखेंगे कि क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, 241 मौतें या आपका ये ना बोलने का अधिकार। क्या फिल्म में दिखाया जाएगा रोमांटिक सीन? कौन करते नजर आएंगे रोमांस? कौन करेगा सीन को डायरेक्ट? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। 90s के दिनों में फिल्मों में रोमांस तो होता था लेकिन सीन को काट काट के दिखाया जाता था। जैसे ही इंटीमेट सीन स्टार्ट हुआ नहीं कि सीन में फूल नाचते हुए दिखाई देते थे, लेकिन आज के दौरान फिल्म में तो इंटीमेट सीन भर भर के दिखाए जाते हैं और अगर दिखाई ना दे तो ऑडियंस को भी कुछ खास मजा नहीं आता। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि फिल्म चुप, जो कि एक बायोपिक फिल्म होने वाली है, वहां पे भी इंटीमेट सीन्स दिखाई देने वाले हैं और हमें फिल्म में दिखने वाले दोनों कपल्स में से एक कपल को इंटीमेट होते देख पाएंगे। पूजा भट्ट जो है वो सनी की पत्नी का किरदार निभाते नजर आएंगी और श्रेया और दलकेर भी फिल्म में एक कपल के तौर में नजर आएंगे। और बताया जा रहा है कि इस इंटीमेट सीन को आस्था खन्ना डायरेक्ट करने वाले हैं। उन्होंने पहले भी गहराइयां, बदलापुर जैसी फिल्मों में इंटीमेट सीन्स को शूट किया है। लोगों को इस फिल्म में बोरियत ना लगे इसीलिए फिल्म में ऐसे सीन्स को इंक्लूड करने का फैसला किया गया है, नहीं तो एक बायोपिक फिल्म इंटीमेट सीन्स के बिना भी पूरी हो सकती है। हाय, लेकिन क्या करें, जनता की डिमांड्स को ठुकरा कर मेकर्स आखिर करेंगे भी क्या। लेकिन फिल्म गहराइयां के इंटीमेट सीन्स काफी हीटिंग अप होने वाला है जिसको देखकर लोगों ने उसे सॉफ्ट पोर्न का टैग दे दिया। अब आगे इस फिल्म में ऐसा हो नहीं सकता है कि आस्था ने उस बात पर ध्यान नहीं रखा होगा। अब सीन्स को कैसे शूट किया गया है, कैसे डायरेक्ट किया गया है, ये तो हमारे साथ जुड़े रहने पर ही पता चलेगा। साथ ही बता दें फिल्म का थीम पूरा विंटेज होने वाला है और कास्ट का लुक भी 80s के लोगों की तरह होने वाला है और इसके लिए उन्होंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट जैसे मिकी कॉन्ट्रैक्टर, संध्या शेखर और नम्रता सोनी को चुना है। तो फिल्म में भाई एक्सप्रेशंस तो उभर उभर कर दिखने वाले हैं। ऑडियंस सनी की एक्टिंग देखने के लिए काफी उत्सुक है। कभी उन्होंने भी ऐसा सीरियस रोल नहीं किया है जहां बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है, लेकिन इस बार लोग उन्हें अलग ही किरदार निभाते हुए देखेंगे और ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर वाला जॉनर उनका पहला फिल्म होने वाला है। उनकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, लोगों को पसंद आएगी भी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अब फिल्म में सालों बाद एंट्री हो रही है पूजा की, तो देखने के लिए उनके फैंस तरस रहे हैं। फिल्म में पूजा का रोल सनी, जो कि गुरुदत्त का रोल निभाएंगे, उनकी पत्नी यानी कि गीता दत्त के किरदार होने वाला है। और फिलहाल तो पूजा के बारे में इतना ही पता चल पाया है कि बाकी आगे क्या होगा जानेंगे फिल्म के रिलीज के बाद। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।